दो डिजिट नंबर लेता हूँ मैं, यानी कि 72 मल्टीप्लाइड बाई 32। अब मेरे को इसका आंसर निकालना है कि 72 मल्टीप्लाइड बाई 32 इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये निकलेगा 2304। अब ये मैंने इतने तेज़ तरीके से किस तरीके से निकाल दिया कि 2304। इसका एक ट्रिक है, इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। इसके ट्रिक के पर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। अगर हम ये ट्रिक इस पर अप्लाई करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये जो टू डिजिट नंबर्स हैं 72 और 32 या कोई भी, उसमें सबसे पहले तो हमारे पास जो पहले दो नंबर हैं, अगर उनका ऐड हमारे पास, अगर हम उसको ऐड करते हैं तो वो एडिशन हमारे पास नंबर 10 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर जैसे कि ये दो नंबर हैं, जैसे 7 और 3, अब इनको हम जोड़ते हैं तो नंबर 10 आता है। इसी तरीके से जो लास्ट टू डिजिट नंबर्स हैं हमारे, दोनों नंबरों के लास्ट जो नंबर्स हैं वो हमारे इक्वल होने चाहिए, यानी कि दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे कि ये 2 और 2 है, तो इस केस में क्या था, पहले दो नंबर हमारे जो अगर हम उनको जोड़ते हैं तो वो 10 के बराबर होने चाहिए और जो लास्ट टू डिजिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। देखिए मैंने क्या नंबर लिए थे, 72 × 32। अब मैंने आपको बताया सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 और 3 को आपस में मैं मल्टीप्लाई करूँगा। उसका क्या रिज़ल्ट आता है, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 21, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो सेकंड हमारा जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट जो है वो हमें इस नंबर में ऐड कर देना है, यानी कि हमारा जो 21 है उसमें हम जब 2 ऐड करेंगे तो वो 23 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पहला नंबर आ चुका है यानी कि 23, अब हमें क्या करना है, जो ये दोनों नंबरों के लास्ट नंबर्स हैं इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। जब इसको और इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा नंबर 4। तो हम यहाँ पे नंबर 4 करते हैं तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आया, 2304। देखा आपने किस तरीके से फास्ट वे से हमने इसको बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दिया, जो लास्ट में हमें इसको करना है, ठीक है। अब मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ बेटर तरीके से। सपोज अब मैं यहाँ पे एक और नंबर लेता हूँ, बट वो जो नंबर मैं लूँगा उसमें क्या होगा कि पहले दो डिजिट के जो एडिशन होगी वो नंबर 10 पे जाएगी और जो लास्ट दो डिजिट होंगे वो इक्वल होने चाहिए। तो सपोज़ मैं एक नंबर लेता हूँ 21 मल्टीप्लाइड बाई 81। इस केस में देखिए 2 और 8 हम जोड़ के 10 का टोटल हमारा 10 आता है और जो लास्ट दो नंबर्स हैं हमारे वो नंबर 1 हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम यानी कि 16। अब मैंने बताया था सेकंड नंबर का लास्ट नंबर हम इसमें ऐड करते हैं यानी कि 1। अब मैं 1 ऐड करता हूँ तो इसमें मेरे पास क्या आता है, 16 की जगह 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 हो जाएगा यानी कि 17। और अब हम इन दो नंबर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1। ये मेरा आंसर आया। देखा आपने किस तरीके से फास्ट वे में मैंने बिल्कुल सही आंसर निकाल दिया। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। अब मैं आपको बोलूं अगर मेरे को 39 मल्टीप्लाइड बाई 79 करना है तो आपका आंसर क्या होगा। देखिए मैं 7 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि 21, 21 प्लस ये वाला नंबर 9 यानी कि 30 हुआ। अब मेरे को इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 89 81, तो मेरा आंसर आया 3081। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल 46 × 66। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा, 6 × 24 + 6 = 30 + 6 = 36, ये आंसर होना चाहिए हमारा। तो देखा आपने किस तरीके से सिंपल तरीके से हम और बिल्कुल फास्ट तरीके से हम टू डिजिट नंबर्स को
हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हमारी शर्त क्या है कि ये नंबर और ये नंबर जोड़ के हमारे पास नंबर 10 के इक्वल होना चाहिए, और ये वाले दो नंबर्स जोड़ के, ये मतलब ये दोनों नंबर्स हमारे जो लास्ट वाले हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी आपकी, मतलब किस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन नंबर्स।